वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम उल्फ कृष्णा रिडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर योर सी एस एन एट गेट एज वेल एज आई टी जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलरेडी ये क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं, आई होप सी एस एन एट में भी आ चुके हैं। तो मैंने बस इतना ही प्रॉब्लम यहाँ पे ड्रॉ किया है। एंड ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से पी एच सी ओ सी एच थ्री को चूज़ करेंगे, सो दिस इज़ योर कार्बोनिल। मैं पहले बेसिक स्टेटमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये कीटोन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफेनोन, राइट। तो अगर किसी जगह में कीटोन है तो इस उल्फ कृष्णा रिडक्शन में क्या होता है, वो कीटोन कन्वर्ट होता है मिथिलीन ग्रुप में। सिमिलरली अगर किसी जगह में एल्डिहाइड है, कोई एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे कन्वर्ट होता है मिथाइल ग्रुप में। तो मैं पहले ये स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पार्ट, ओके। तो ये जो उल्फ कृष्णा रिडक्शन, यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज होता है, फर्स्ट रिएजेंट इज योर हाइड्राजीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। अगर हाइड्राजीन हम लोग यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कीटोन कार्बोनिल कॉम्पाउंड, तो मैंने यहाँ पे कार्बोनिल कॉम्पाउंड जो है कीटोन को चूज किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमीन जेनरेट होगा, सी डबल बॉन्ड ओ नो एन एन एच टू, ये बन गया। अभी क्या करना है ना, ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे जेनरेट हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई बेस, कोई भी बेस से अगर ट्रीट करेंगे, जैसे के ओ से अगर ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे जो कंपाउंड जेनरेट होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उल्फ कृष्णा रिडक्शन का, भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग स्टार्ट किए थे कार्बोनिल से, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला है, सी एच टू, राइट। ये सी, ये कार्बन है, सी एच टू, क्लियर हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, पी एच सी एच टू सी एच थ्री, तो हमने क्या खास से स्टार्ट किया था, कीटोन से। कीटोन से क्या मिला हम लोगों को, मिथिलीन ग्रुप, सी एच टू ग्रुप मिला। सिमिलरली अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम लोग यूज़ करेंगे पी एच सी ओ, देखो मिथाइल के जगह में अगर मैं यहाँ पे एज लगा दूंगा तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड। तो वहाँ पे अगर हम लोग सेम स्टेप को ट्रीट करेंगे तो हम लोगों को पहले स्टेप में क्या मिलेगा, लाइक ऑफ दिस। उसके बाद अगर हम लोग बेस से ट्रीट करेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पी एच मिथाइल। तो मैंने क्या बताया था, अगर एल्डिहाइड होगा तो ये मिथाइल जेनरेट होगा, प्रूफ हो गया। तो ये इसका बेसिक सेटअप। अभी जो पार्ट है, दैट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। मैं इस स्टेप, ये दोनों स्टेप को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही ईजी है, तो ये यहाँ पे अरेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे डिहाइड्रोलिसिस होता है, पी एच डबल बॉन्ड एन एन एच टू एंड देन यहाँ पे मिथाइल। उसके बाद अगर हम लोग के वेज यूज करेंगे, तो के वेज इज अ बेस दैट कैन टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम हेयर, राइट। और ये इधर जाएगा एंड डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, पी एच माइनस सी एच थ्री एन डबल बॉन्ड एन एच, क्लियर हो गया। अभी ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जेनरेट किया है, वो क्या करते हैं ना, देखो ये नेगेटिव चार्ज कैन टेक दिस प्रोटोन, ठीक है, ऐसे करके भी हम लोग सोच सकते हैं। सो दिस नेगेटिव चार्ज कैन टेक दिस प्रोटोन, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, क्लियर होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे प्रोटोन ले रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वी कैन राइट माइनस प्लस एच प्लस। तो हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया प्रोटोन, उसके बाद क्या होगा, एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे नेगेटिव, उसके बाद ये इधर आता है, जब इधर आएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे नेगेटिव दैट मिथाइल, तो ये मीडियम से और एक प्रोटॉन ले लेगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये टाइप ऑफ इमीन टाइप ऑफ सब्सिट हुआ, राइट, ये इमीन टाइप ऑफ सब्सिट। उसके बाद हम लोग बेस से ट्रीट करेंगे तो ये एसिडिक प्रोटोन जाएगा, उसके बाद ऐसे करके ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बट हम लोग को ये दोनों पार्टी याद रखना है, ठीक है। अगर कीटोन होगा तो वहाँ से CH2 फॉर्म होगा, सिमिलरली अगर एल्डिहाइड होगा तो वो जो कार्बोनिल था वहाँ पे भी CH2 होगा, बट एट द एंड जो, राइट, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, यहाँ से क्या होगा, पी एच CH2, मतलब कार्बोनिल जो है यहाँ पे CH2 जेनरेट होता है,
उसके बाद अगर ये हाइड्रोजन होगा तो ये टोटल मिथाइल हो जाएगा। अगर यहाँ पे और एक ग्रुप रहेगा लेट्स से CH3 लाइक ऑफ दिस एग्जाम्पल, तो वो हो जाएगा ये CH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके नाउ अभी हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, हमने क्या यूज़ किया, हाइड्रोजीन, उसके बाद हमने बेस किया और हीट किया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हीट था वो क्या करता है, वाटर रिमूवल को हेल्प करता है। दैट मीन्स अगर ये इधर अटैक करेगा तो देखो यहाँ से अगर ये होगा ना, ये एट द एंड ये वाटर रिमूव हो जाता है। उसके बाद क्या जैंट होगा यहाँ पे, मैं इसको ऐसे करके एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, एन, उसके बाद NH2 जैंट होगा, राइट, और बाकी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बेस से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने बताया था अगर ऐसा कोई कार्बोनिल कॉम्पाउंड लेंगे तो वहाँ से ये हो जाएगा मिथिलीन कॉम्पाउंड जेनरेट होगा। तो अगर हम लोग बेस से ट्रीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी जो है वो सेम है। क्लियर हो गया, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर ए। ऑलराइट, ओके नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये जो स्टेप है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या, एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CO हाइड्रोजन। तो ये अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो देखो ये जो NH2 है ना, यहाँ से ऐसे करके वाटर रिमूव हो जाता है, बिकॉज ये नाइट्रोजन जाके अटैक करता है, OH जेंट है, उसके बाद डिहाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, ये जेंट होगा। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी, ठीक है, अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज दैट, यहाँ पे देखो हमने क्या बेस यूज किया, सोडियम इथॉक्साइड बेस। अगर हम लोग बेस यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जेंट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर, बिकॉज ये जो दो बॉन्ड है अभी ये कंजुगेशन में है। रिमेंबर, अगर जब कंजुगेशन होता है तो ये डबल बॉन्ड टोटली टर्मिनल में शिफ्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, तो हमने क्या बताया था, ये जो नेगेटिव आता है वो अभी यहाँ से प्रोटोन ले लेगा, अगर ले लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटोन आ जाएगा, सो यू कैन राइट माइनस प्लस एच प्लस। क्लियर हो गया, अभी ये इधर जाएगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद ये मीडियम से प्रोटोन ले लेगा। ठीक है, अगर प्रोटोन ले लेगा तो क्या होगा, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर प्रॉब्लम, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या है, हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन गेट में आया था, एन NH2, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं एक बार कर देता हूँ, ये जो हम लोग कार्बन से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ, अगर किसी को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये इधर अटैक करते हैं तो ये ओ ही हो जाएगा, एंड दैट विल बी NH2। यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, पॉजिटिव था, राइट, अगर ये अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन इधर से इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद ये इधर जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, NH2, यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो फाइनली हम लोग को ये कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये जेनरेट होता है, उसके बाद क्या है, हम लोगों के पास बेस है, तो बेस अगर है ट्राई इथाइल एमीन, अगर बेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको बेस लिख रहा हूँ, तो बेस जाके यहाँ पे अटैक करेगा, डेफिनेटली अगर ये अटैक करेगा तो ये ऐसे जाएगा। अभी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन का चार बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इपॉक्साइड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ओ माइनस, यहाँ पे आ गया मिथाइल, यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड आ गया, एन डबल बॉन्ड NH। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ, ये नेगेटिव ये प्रोटॉन को ले लेगा, तो ये प्रोटॉन का अगर ले लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH। क्लियर हो गया,
नेक्स्ट स्टेप में ये इधर होगा, ऐसे होगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये पे नेगेटिव मिथाइल ओएच, ठीक है। उसके बाद ये मीडियम से एक प्रोटॉन ले लेगा, क्लियर हो गया। ये कहाँ से प्रोटॉन लेगा, देखो ये क्वेश्चन भी आ सकते कहाँ से प्रोटॉन लेगा, तो वी कैन एज्यूम जो बेस जो यहाँ से प्रोटॉन ले रहा है, सो वी कैन राइट व्हाट इज दैट ट्राइथेल एमीन। अगर बेस ये प्रोटॉन को ले रहा है फर्स्ट स्टेप में, राइट, तो ये ऐसा होगा। तो सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा था ना, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से भी ये प्रोटॉन ले सकता है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, सो दैट इज योर सी। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो सेम रिएजन अगर दूंगा तो यहाँ पे एसिड, तो ये जो रिएक्शन है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कीटोन कार्बोनिल, दैट मीन्स कीटोन एंड एल्डिहाइड, राइट। तो दिस इज योर कीटोन, राइट, तो ये रिएक्शन एसिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पीएच मैं एक स्टेप में कर देता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ सी कार्बोनिल सी हो, ये यहाँ पे सेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये था इसका बेसिक एग्जाम्पल्स। ना ये जो रिएक्शन मैंने ड्रॉ किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। बेसिकली ये जो स्टेप, ये दो स्टेप का जो प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट अ उत्कृष्ट रिएक्शन, बट ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, बाय यूजिंग द सेम स्टेप हम लोग सेम प्रोडक्ट कन्वर्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग उल्पकृष्ण रिडक्शन से, देखो ये जो सबस्टेट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे अगर हम लोग उल्पकृष्ण करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे सीस्ट आ जाएगा, ये तो क्लियर है, राइट। इसको इसको देता हूँ ना, देखो अगर हम लोग ये स्टेप को भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओके। तो हम लोग अगर फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे तो ये जो सल्फर यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, OH2+ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एसेज है वो जाके इधर अटैक करता है और ये निकल जाता है। बेसिकली ये कार्बोनिल का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो लुईस एसिड, इसका रोल क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। ये जो हम लोग लुईस एसिड यूज कर रहे हैं, सॉरी BF3, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिसिटी बढ़ जाता है। उसके बाद ये ग्रुप यहाँ पे अटैक करते हैं, उसके बाद इसका प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। दिस इज द सिमिलर केमिस्ट्री, ओके। नाउ ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट हुआ है, दैट इज योर ई, दैट इज द इंटरमीडिएट, दैट इज द ई। उसके बाद अगर हम लोग रैनिनिकल यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्ट इसका रिडक्शन हो जाता है अंडर दिस सॉल्वेंट। तो ये जो मीडियम है सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो प्रोटॉन है अभी वहां पे आ जाएगा एंड विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, बट ये जो दो स्टेप है दैट इज नॉट अ उल्पकृष्ण रिडक्शन। बट अगर हम उल्पकृष्ण रिडक्शन करेंगे देन ऑल्सो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम लोग सही से देखेंगे, उल्पकृष्ण रिडक्शन में दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेप में हम लोग बेस यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ये जो डाई सल्फेट अगर हम लोग यूज करेंगे तो डाई सल्फेट क्या करेगा, यहाँ पे थायो एसिटल जेनरेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थायो एसिटल। थायो एसिटल जो कार्बोनिल का प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे रैनिनिकल से ट्रीट करेंगे अंडर मेटल कंडीशन, ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये रिडक्शन हो जाएगा एंड ये जो प्रोटोन है ना इथेनॉल का, वो प्रोटोन इधर आ जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट हम लोग को सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर, ठीक है। Now for this lecture you can read Claydon as well as Caruther, ठीक है। And if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Thank you very much for watching this video.